सोमवार को उसो मिरिज गार्डन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। कहा कि अगर कहीं किसी क्षेत्र में जरूरतमंद व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए विधायक सांसद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सबसे पहले वहां का स्थानीय कार्यकर्ता जिम्मेदार है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को उनकी शक्तियों के बारे में बताया। सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश सिंह, विधायक हरि सिंह सप्रे, दिनेश सोनी, महाराज सिंह, सीताराम सैनी, विनोद जैन सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। दिल्ली का बिल आप सभा में जा रहा है, जो सौ रुपये पास हो गया 300 रुपये, लेकिन राज्यसभा में हमारे पास रुपये नहीं है। ये राज्यसभा के सांसद कैसे चुनाव जाते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग समझ क्या होगा कि राज्यसभा का बहुमान विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है। ये लोग जो आपसे कह रहे हैं ये आपके साथ कर रहे हैं। अब ये बहुमत लेकिन वो बटोरे क्लब के लोग इकट्ठे होकर अभी भी हमको राज्यसभा में चुनौती दे रहे हैं। इसलिए राज्यसभा के चुनाव मध्य प्रदेश की धरती पर जो होने वाले हैं, जितने ज्यादा विधायक बनेंगे उतने ज्यादा राज्यसभा के विकास में जो लोग कहते हैं कि ये तो वोट मध्य प्रदेश के लिए है, देश की राजनीति के लिए नहीं है, तो झूठे हैं कि नहीं? लेकिन ये पता नहीं है तो मेरे हमारी समझ की गलती। विधानसभा में हमारा संख्या बल हमको राज्यसभा का सांसद चुनकर देता है। देश के ऐसे बहुत राज्य में हमारा एक ही राज्यसभा का सांसद है, क्योंकि हमारे विधायक उसे जहां हमारे विधायक है उनको ज्यादातर मात्रा में चाहिए। मध्य प्रदेश से आमतौर पर ऐसा कभी मौका नहीं आया जहां हमारा कोई राज्यसभा का सांसद मैं जाता हूँ, हम कितनी दूरी आ जाते। लेकिन हमारे तीन नेता लोग पूरे के पूरे जीत कर गए, ऐसे चार मौके हैं। जब एक भी कांग्रेस का नहीं जीता सारे हमारे जीते, ये भी हुआ है। तो उसे मुझे लगता है कि खाली एक विधायक बनेगा तो बाकी चीजें हो जाएंगी, इससे नहीं, इससे देश की राजनीति बदल जाएगी। और सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया, उनको छोटा जी को जीत साल हो गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।